अगर आप त्योहार की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि त्योहारों के इन दिनों में सोहना के बाजार में एक ठग गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है, जो कि महिलाओं को सम्मोहित करके उनके गहने और नकदी उनसे लूट लेता है। हमारे साथ ऐसा है, यदि हम बाजार में जा रहे थे सामान खरीदने के लिए, कौन कौन? एक मैं थे, एक मेरे किराएदार थे। अच्छा, हम बाजार में जा रहे थे सामान के लिए, उन्हें दोनों ने हम लूट लिया। किसने? दो लड़के थे। कहाँ पे मिले थे लड़के? लड़के यहाँ मिले, सतीश का ये हॉस्पिटल यहाँ जस्ट। अच्छा, यहाँ मिले थे। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर यहाँ से बस ऐसे ही कहते रहे। एक लड़का आया जी, मेरी माता जी बीमार है, बस तो उसका पुजारी है हनुमान जी का, हो जाए फिर माता जी ठीक। अच्छा, फिर भैया मेरे को ले आ दो तीनों होकर एक एक रुपया मिला के, और अगरबत्ती पैकेट ले आ दो। फिर वो बोला ले जी 10 रुपया देऊँ मैं, और था वो उसी के साथ। अच्छा, फिर उसने बोला नहीं जी मेरे पास पैसा तो हैंगे, रान दे चलो। फिर क्या किया उन्होंने? फिर बोला मेरे साथ चलो, मेरा पीछे पीछे आ जाओ, नहीं किसी तरफ देखना, नहीं किसी को बोलना। फिर यहाँ मस्जिद के पास आ गए, यहाँ खड़े हुए। अच्छा, फिर बोले माता जी ये चैन अपनी उतार कर परस में रख लो, कुंडल भी उतार कर रख लो। फिर ये बिजली बोर्ड की गड़ी है जो इसमान को, उस लड़का ने मेरे उतरा नहीं, उस लड़का ने उतार के माता जी रख ले अपने इसमें रख लिए। फिर वो दूसरी किराएदार ने उससे कहने लगे आगे ये माता जी दे दे परस, और तू 100 कदम आगे चली जा घूमिया। वो चली गई, फिर बोला माता जी तू इस लड़के को दे दे, तू 5 कदम रखिया। भाई इतने उल्टे फिर कहाँ कर। आपको बता दे, इस ठग गिरोह के सदस्य एक दिन में 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाकर उनसे लाखों के गहने और हजारों रुपए की नकदी लूट चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर थाना प्रभारी ने खुद इसकी कमान संभाली और बाजार में जगह जगह जाकर खरीदारी करने आई महिलाओं एवं दुकानदारों से अपील की है कि ठग गिरोह से सावधान रहे और उनके झांसे में न आए। यही है, उनको बस जागरूक करने के लिए हम कह रहे हैं कि वो जो बुजुर्ग या जो बूढ़ी महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनके साथ ये लड़के हैं जो बातें करते हैं, और फिर वो पता नहीं उनसे बातें करके ना लोभ लालच देते हैं, बहलाते बुझलाते हैं, और वो गहने उतार के लेडीज खुद ही उनको दे देती हैं। इसलिए अभी त्यौहार का टाइम है तो दुकानदारों को इनको सबको उसी में सावधान किया जा रहा है। इस तरह की बात भी आप पुलिस को बताएं। साथ ही पुलिस ने ठग गिरोह का शिकार हुई पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर ठग गिरोह के सदस्यों को काबू करने के लिए बाजार के अलग अलग स्थानों पर सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मी तैनात किए हैं, जो कि हर एक पर अपनी नजर रखे हुए है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस ठग गिरोह के सदस्यों को काबू करने में कामयाब हो पाती है। प्रथम टहलका के लिए सोहना से सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट।